First, I would like to clarify on our item songs. I've done one song and that too डेढ़ साल पहले किया था मैंने. और दैट टाइम आई वॉज डूइंग म्यूजिक वीडियोज़, कैंपेन्स कर रही थी मैं, काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोज़, और मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी थी. और उस टाइम पे मैंने जो गाना किया था रोड के लिए, उस गाने को मैं एक म्यूज़िक वीडियो की तरह ही ट्रीट किया था. आइटम सॉन्ग का इतना रेज नहीं था तब. आज जो है, एक आइटम सॉन्ग होना ज़रूरी होता है एक पिक्चर के लिए, तो तब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. बट फॉर्चुनेटली दैट सॉन्ग वॉज अ हिट, गाना हिट हो गया था, एंड दैट्स वाई प्रॉब्ली आई गॉट अ ग्रेट एंट्री टू बॉलीवुड. और उसके बाद काफ़ी सारे गाने के ऑफर्स आए मेरे पास, और मैंने किया नहीं गाने इसलिए बिकॉज आई न्यू इट कि एक गाना करने के बाद अगर दूसरा गाना मैं करूँगी तो उसके बाद शायद फिल्म करियर का फुल स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे. सो दैट्स व्हाई वेटेड फॉर अ ईयर. और एक साल के बाद मुसाफिर हैपेंड, एंड नाउ विद इन अ मंथ्स टाइम मुसाफिर अभी रेडी है और रिलीज़ होगी नेक्स्ट मंथ. और उसके बाद मैंने ये इंसान साइन किया. इंसान में आपका क्या रोल है, इसके बारे में कुछ बताइए. बेसिकली इट्स नॉट अ वीमेन ओरिएंटेड फिल्म. वीमेन ओरिएंटेड तो नहीं है प्रोजेक्ट. देर आर थ्री हीरोज. मेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, एंड आई प्ले अजय'स वाइफ इन द मूवी. एंड इसमें खास कुछ सरप्राइज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ सिंपल हीरोइन रोल. तो क्या वजह थी ज्वाइन करने की इस प्रोजेक्ट में, जैसा कि आपने इंतज़ार किया एक फुल फ्लेज हीरोइन बनने के लिए, फिर आपने इंसान ज्वाइन किया, तो क्या खास वजह थी इसे ये करने की, इंसान साइन करने के लिए? हाँ, क्या आई थिंक देर आर 100 रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल द बैनर केशु जी एंड राजकुमार संतोषी. माई को स्टार इज अजय देवगन. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम. एंड द रेस्ट ऑफ द स्टार्स, अक्षय है, ईशा है, तुषार है, लारा है. इट्स अ ग्रेट स्टार कास्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए, हर हीरोइन ऐसा नहीं करते कि हर मीनिंगफुल सब्जेक्ट देख के स्टोरी पिक्चर साइन करते हैं. कभी कभार अच्छे स्टोरी अच्छे पिक्चर का पार्ट होना भी मायने रखता है. तो आई थिंक यू नो एवरी मूवी कांट बी अ हीरोइन ओरिएंटेड, और स्टोरी मुझ पे बेस होना चाहिए. ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, स्पेशली बॉलीवुड वेयर इट्स डोमिनेटेड बाय द हीरोज, मेल डोमिनेटेड. इंसान के बारे में बताइए, टाइटल क्या है, क्या दिखाया जा रहा है इस फिल्म में, किस चीज़ पे बेस्ड होगी ये फिल्म? इट्स अ कॉप फिल्म. सो आप देखेंगे जब आप पिक्चर देखेंगे तो किस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. इट्स नॉट गुड कि आपको मैं अभी स्टोरी दे दूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँ कि मेरे कैरेक्टर के साथ कोई स्टोरी के साथ कनेक्शन, मेरा कनेक्शन सिर्फ अजय के साथ है पिक्चर में, स्टोरी के साथ खास कुछ नहीं. कैसा एक्सपीरियंस रहा अजय देवगन के साथ? वेरी गुड. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कोस्टर, वेरी प्रोफेशनल एंड एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ. बहुत सपोर्टिव है, एनर्जेटिक है. एनीथिंग एल्स, कुछ और कुछ? आज जो सीन जो पिक्चराइज हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में बताइए, क्या सिचुएशन? ये गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है, राइट आफ्टर मैरिज. तो ये एक ही गाना है हम दोनों का पिक्चर में. तो आखिरी दिन आज गाना शूटिंग हो रही है, अभी लास्ट पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ बाकी है. मुझे पहले भी सीरियसली लिया गया था, बट द थिंग इज ऑफर्स जो आ रहे थे इंडस्ट्री से, वो सिर्फ गाने की, क्योंकि इंडस्ट्री को मैं ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ एक गाना किया था तब, और प्रूव करने लायक कुछ था नहीं. और शायद इंडस्ट्री का तरीका यही है कि जब तक आप स्क्रीन में, बिग स्क्रीन में ना देखें, एक भी सीन हो या तो हाफ भी सीन हो, वो बोलते हुए नज़र नहीं आए, तो वो एक्ट्रेस टैग मिलता नहीं है. सो आई वॉज़ वेरी श्योर ऑफ इट कि मैं दूसरा गाना और एक गाना करूँगी तो वो कभी होगा ही नहीं. सो आई वेटेड, आई वॉज ऑफर्ड मैनी मैनी सॉन्ग्स आफ्टर रोड. सो आई डिडंट वॉन्ट टू डू इट सो दैट आई कैन कम बैक एज एन एक्टर. सो आई वेटेड फॉर अ ईयर. मॉडलिंग करियर के लिए भी 3 साल काफ़ी नहीं होता है. सो आई थिंक 3 इयर्स टाइम आई हैव डन क्वाइट वेल, नॉट टू बैड. हिट और फ्लॉप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत की काम देखना चाहिए. हैव टू बी सीन एंड हैव टू बी अ पार्ट ऑफ गुड फिल्म, गुड प्रोजेक्ट. सो संजय गुप्ता, संजय दत्त मेरे प्रोड्यूसर्स, मुसाफिर ऑलरेडी सॉन्ग्स आर हिट एंड सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेल. और
काफ़ी क्यूरियोसिटी है लोगों की एंड दे आर लाइकिंग द प्रोमोस. तो एंड डेफिनेटली इंसान इज अनदर मल्टी स्टारर. तो हिट या फ्लॉप से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क विद गुड एक्टर्स गुड डायरेक्टर्स. सो 2005 डेफिनेटली आई विल साइन प्रोजेक्ट्स विद गुड डायरेक्टर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देम. ये काफ़ी जल्दबाजी होगी अगर मैं अभी बताऊँ कि मुझे हीरोइन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स चाहिए और ऐसे स्क्रिप्ट चाहिए वैसे स्क्रिप्ट चाहिए. ऑलरेडी इंडस्ट्री ने एक कैटेगरी में डाल दिया है और वो देते हैं क्योंकि मैं मॉडल टर्नड एक्ट्रेस हूँ तो एक कैटेगरी में आ जाते हैं ग्लैमरस हॉट सिर्फ उसी तरीके का रोल इंसान में जो है ये इट्स अ गुड चेंज बिकॉज आई एम प्लेइंग टुडेज वाइफ एट द सेम टाइम यू सी द गेटअप. आई हैव a girl next door look and very bubbly, very nice character to play. So I want to experiment, I want to learn. So मुझे मैं सिर्फ ये नहीं देख रही हूँ कि ये दो पिक्चर बैक टू बैक रिलीज होगी कौन सा हिट कौन सा फ्लॉप. फ्लॉप दो पिक्चर फ्लॉप हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं बोल सकी इट्स अ मेल इट्स अ मेन्स मूवी इट्स अ मेन्स मूवी एंड टैलेंट दिखाने के लिए हीरोइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है. आई थिंक बॉलीवुड में साल में अगर 40 पिक्चर्स रिलीज होते हैं तो होता है तो उसमें से शायद दो या तीन हीरोइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होता है. एंड आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ हीरोइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट टू प्रूव योर सेल्फ. But I think at times it's good to be seen as a part of a good film. So that's what I'm looking at. In this film, I would say that you know the story revolves around me. No, I play his wife. और ऐसे बहुत सारे pictures आप देखेंगे जिसमें बहुत सारे big stars हैं, male stars हैं. और heroines के लिए चार scene होता है, शायद तीन गाने होते हैं. Because Bollywood heroines का 80% काम वैसा ही होता है. You have to look good. You have to dance well and sing well and that's all. And look nice next to your hero. So most of the time heroines are supposed to do that. Right now I'm looking at projects, other projects. Mujhe agar achha lagega koi aur project to definitely I'll go for it. Right now ye picture abhi khatam hone mein thoda aur waqt lagega. After that, definitely I'll see what's coming next. आपका ड्रीम रोल नहीं है, कोई ड्रीम रोल नहीं है बिकॉज राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन वर्किंग विद गुड पीपल गुड कोस्टार्स गुड डायरेक्टर्स. तो जैसे ऑफर्स आते रहेंगे मेरे पास मैं देखूँगी क्या सूट होता है एंड वॉट इंटरेस्ट मी. सो ऐसा ड्रीम रोल बोल के कुछ नहीं है मेरा. डन. थैंक यू.